तो कैसे हो आप सभी लोग, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्त किसे कहते हैं, रक्त का क्या कार्य है, जो फ्रेंड आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रक्त किसे कहते हैं, रक्त का क्या कार्य है। प्रश्न है, रक्त किसे कहते हैं, रक्त का क्या कार्य है। उत्तर है, रक्त एक तरल संयोजक ऊतक है, या गाढ़ा हल्का चिपचिपा और लाल रंग का होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है, रक्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। दूसरा है, रक्त शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तीसरा है, रक्त पचे हुए भोजन का अवशोषण कर उन्हें विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। चौथा है, रक्त शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पांचवा है, रक्त शरीर के पीएच को नियंत्रित करता है। छठा है, रक्त एंजाइम और हार्मोन आदि का परिवहन करता है। सातवां है, अवशिष्ट पदार्थों को किडनी तक पहुंचाता है। आठवां है, रक्त घावों को भरने में मदद करता है। नवां है, रक्त आंतरिक्ष जैविक क्रियाओं को स्थिर बनाए रखता है। दसवां है, रक्त हमें संक्रमण से बचाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।